सो हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, आप वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज़ करूँगा, सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप सिंपली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। बस गाइस, आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, जो इस वीडियो में जो मैंने बैकग्राउंड यूज़ किया यार, और जो मैं आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको बनाने मेरे को काफ़ी मेहनत लगी, तो प्लीज़ यार उसके लिए एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो का हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले क्या करना है आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, एंड उसके बाद आपको अपने पिक्सआर्ट में ओपन कर लेना है, एंड उसके बाद जाना है आप सभी को अपने मॉडल को यहाँ पे ऐड कर लेना है। एंड गाइस, मैं आप सभी को बता दूं यार, मेरे को मैंने इसी मॉडल को वापस से क्यों यूज़ किया यार, इसके पीछे एक रीज़न है यार, क्योंकि यार मैंने ना आप सभी के लिए कोई और मॉडल मैंने बहुत ढूंढा, बट यार मेरे को मॉडल मिला नहीं, तो यार मैंने सोचा क्यों ना आप सभी को मैं इसी से समझा दूँ, क्योंकि यार आप सभी को मतलब कि बस समझाना ही तो है, और कौन सा मेरे को अपने इंस्टा पर अपलोड करनी है ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि यार आप सभी को समझाने के लिए, मतलब मैं जितना समझा दूँ बस उतने के लिए मैं इस मॉडल को ले लेता हूँ। तो गाइस, आप मतलब बुरा मत मानना यार, ठीक है कि मैंने वही मॉडल लगा दिया, बट यार कभी कभार होता है कि कोई मॉडल नहीं मिलता, तो यार वही लगाना पड़ता है ना। तो बाकी तो मैं आपको हर वीडियो में अलग मॉडल लगा के दिखाई देता हूँ, तो यार अभी के लिए यार प्लीज़ यार माफ़ करना मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये मॉडल का यूज़ किया है, तो उसके बाद आप सबको करना है कि यहाँ पे डन कर देते हैं पहले तो, एंड उसके बाद हम यहाँ पे ना थोड़ा सा फोटो क्रॉप कर लेते हैं, क्योंकि नीचे से थोड़ा स्पेस रह गया, तो यहाँ से हम क्रॉप कर लेते हैं। एंड उसके बाद देखिए, हमारा मॉडल जो है परफेक्ट तरीके से लग चुका है। तो अब आप सभी को करना है कि आप सभी यहाँ पे ड्रॉ टूल में जाना है। ड्रॉ टूल में जाने के बाद गाइस, आप सभी को थोड़ी सी शेडो यहाँ पे क्रिएट करनी है, ठीक है। तो शेडो आप सभी कुछ यहाँ से अब आपको कुछ इतना 10 तक रख लेना है, एंड साइज़ को जो आप सभी को अपने हिसाब से रख के कुछ स्टेप्स से उसको पेंट कर लेना है, ठीक है। अच्छे तरीके से शेडो क्रिएट करनी है, एंड मुझे पता है यहाँ पे हमारी शेडो जो है थोड़ी डार्क हो चुकी है, तो उसकी कोई दिक्कत ही बात नहीं है गाइस, उसको तो हम मैनेज कर ही लेंगे, आप सभी को पता है, तो है ना। तो आप सभी को पहले तो यहाँ पे अच्छे से शेडो क्रिएट कर लेनी है, एंड हैंड वैंड को आपको देखना ध्यान से, ठीक है, उस हिसाब से आप सभी को क्रिएट करनी है, ठीक है। तो उसके बाद आप यहाँ पे तो हमारी शेडो तो क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। तो अब हम इसमें जाके हम ओपेसिटी थोड़ा कम करते हैं, एंड इसको अराउंड 50 तक कुछ रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस शेडो भी हमारी बन चुकी है, तो यहाँ से हम फोटो कर लेते हैं डन। एंड गाइस, उसके बाद आप सभी को अब क्या करना है, आप सभी को यहाँ से जाना टूल्स में जाने के बाद जाना फिर अडजस्ट में जाने के बाद आप सभी को जो इसका कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा बढ़ा देना है, एंड जो सैचुरेशन इसको थोड़ा कम कर देना है, ठीक है। सैचुरेशन से क्या होता है ना कि गाइस, दो मॉडल होते हैं ना, तो दोनों का सैचुरेशन मैनेज हो जाता है। तो उसके बाद क्या करना, आप सभी को यहाँ से जाना कलर्स में जाना, एंड उसके बाद सैचुरेशन में जाना। सैचुरेशन को फिर आप सबको यहाँ पे मैनेज कर देना कि दोनों मॉडल होंगे उसके सैचुरेशन बराबर हो जाएंगे, मतलब कि एक क्वालिटी में आ जाएंगे, ठीक है। तो आप इतना काम तो हो चुका है। तो गाइस, आप सभी को अब जाना ऐड फोटो में, एंड आप सभी को मैंने एक पीएनजी दे रखा है, ये वाला विग्नेट का, तो आप सभी को इस पीएनजी का जरूर यूज़ करना अपनी फोटो में, ठीक है। तो ये देखो, इससे लगाने से क्या हो रहा है ना कि एकदम लग रहा है कि हाँ अब ये मॉडल दोनों पहले से ही खड़े थे, तो आप सभी को इसको जरूर यूज़ करना है। एंड उसके बाद जाना आप सभी को ऐड उसमें टूल्स में, फिर एडजस्ट में जाने के बाद आपको इन्वर्ट कर देना है, ब्रश को सिलेक्ट करके साइज़ को छोटा करें, कुछ स्टेप्स आप सभी को पूरी बॉडी के ऊपर डोजन बन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा साइज़ को बढ़ा लेता हूँ, एंड उसके बाद एक पेंट हम यहाँ कर देंगे, ठीक है, और एक हम यहाँ कर देते हैं, एंड यहाँ पे हम थोड़ा बड़ा पेंट करना पड़ेगा, यहाँ पे इतना बड़ा, ठीक है। एंड उसके बाद हमें थोड़ा सा एक यहाँ इस वाले हैंड पे भी कर देते हैं, एंड उसके बाद जो है यहाँ पे इतना कर देने बाद आपको डन कर देना है, एंड जिसका अमाउंट आप सभी को थोड़ा बढ़ा के रख देना है अराउंड 20 तक, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा साइड में पेंट हो गया, तो इसको मैं पहले यहाँ पे इरेज कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे इतना कर देने के बाद यहाँ पे डन करते हैं, एंड यहाँ से भी डन कर देते हैं, ठीक है। इतना कर देने के बाद आप सभी को फिर क्या जाना, अगेन जाना टूल्स में, फिर ब्राइटनेस को बढ़ा देना है, एंड यहाँ से जो टूल में जाकर इन्वर्ट करके साइज को छोटा करके, एंड उसके बाद फेस के ऊपर थोड़ा डोजन बन करना है, ठीक है। तो एक पेंट मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, एंड इसमें थोड़ी जगह दिख नहीं रही है, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा मैं फिन उस पर भी खरीद देता हूँ, यहाँ पर डन करते हैं, एंड जो इसका अमाउंट हम थोड़ा अराउंड 2 या 3 तक रख लेंगे, अराउंड 5 तक रख लेते हैं, ठीक है, 2-6 तक रख लेते हैं, एंड यहाँ पे करते हैं डन, ठीक है। इतना कर देने के बाद आप सभी को अब क्या करना है, आप सभी को यहाँ पर फोटो कर देना सेव, ठीक है। फोटो को सेव कर देने के बाद आप सभी को यहाँ से चलना बैक, एंड इसमें करनी थोड़ी सी कलर करेक्शन, जो कि हम करते हैं लाइट रूम ऐप के अंदर। तो अगर जब तक हमारा लाइट रूम ऐप ओपन हो रहा है, अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप में से कोई भी भाई मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि यार मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी अपडेट आप सभी को मिलती रहे। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। तो चलिए गाइस, अब हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो गाइस, यहाँ पे जो हमारी फोटो ऐड हो चुकी है, तो फोटो ऐड होने के बाद आप सबको अब करना क्या है, फोटो को हम पहले ऐड कर ले, ओपन कर लेंगे, एंड उसके बाद आपको साइड में लाइट वाला ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। कॉन्ट्रास्ट को जो आप सबको थोड़ा बढ़ा देना है, हाईलाइट है इसको आप सबको थोड़ा कम कर देना है, एंड शेडो है जिसको बढ़ा देना है, एंड जो वाइट है इसको आपको थोड़ा बढ़ा देना है, एंड ब्लैक है इसको भी आप सबको बढ़ा देना है, एंड उसके बाद जाना आपको कलर्स में, ठीक है। एंड उसके बाद आप सबको जो इसका सैचुरेशन है इसको प्लस में रख देना है, एंड जो इसका सैचुरेशन है इसको आपको प्लस में रख देना है, थोड़ा सा मतलब अराउंड कुछ 5 तक, कुछ 12 तक कुछ रख देना है, एंड मिक्स में जाना है, एंड ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, सैचुरेशन को माइनस कर देना है, एंड चाहो तो ल्यूमिनस बढ़ा सकते हो, बाकी येलो कलर में चलते हैं, ह्यू को माइनस कर देते हैं, एंड उसके बाद आप सबको येलो ब्लू कलर में जाना है, एंड इसके ह्यू को माइनस कर देना है, सेकंड ब्लू में जाना है, इसके बिल्कुल ह्यू को माइनस कर देना है, ठीक है, बिल्कुल ह्यू को माइनस कर देना है, एंड उसके बाद आप सबको यहाँ पे कर देना है डन। एंड उसके बाद जाना कलर्स के नीचे वाले टूल में, फोटो की जो क्लियरिटी आपको इसको इंक्रीज़ कर देना है, फोटो में जो विग्नेट आप सबको उसको भी डालना है, ठीक है,
फोटो में वीकनेट डालना है। एंड उसके बाद आपसे कुछ ग्रेन अमाउंट है इसको बढ़ा देना है। एंड उसके बाद जो आपसे को नीचे वाले टूल में जाना है, ठीक है। एंड उसके बाद जो फोटो की शार्पनेस है इसको इंक्रीज़ कर देना है। एंड उसके बाद आपसे का जो नॉइस रिडक्शन दिखेगा आपसे उसको भी इंक्रीज़ कर देना है। एंड जो कलर नॉइस रिडक्शन आपसे उसको भी इंक्रीज़ कर देना है। तो बस यहाँ पे जो हमारी फोटो परफेक्टली एडिट हो चुकी है, ठीक है। तो आई होप कि यार आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो यार प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। एंड यार आप में से कोई भी भाई मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि यार मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी अपडेट आप सभी को टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो यार बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। एंड गाइस मैं आप सभी से वीडियो खत्म करने से पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि यार एंड स्क्रीन में मैंने आप सभी के लिए ये दो वीडियो लगा रखी है। ये दोनों वीडियो काफ़ी अच्छी हैं एंड आप सभी मेरे व्यूवर्स को काफ़ी अच्छी लगी है। एंड जो वीडियो देख रहा है मतलब मेरे चैनल पर जो पहले से थे उनको भी काफ़ी अच्छी लगी वीडियो। तो यार मैं चाहता हूँ कि यार आप इन दोनों में वीडियो में से कोई एक वीडियो पर क्लिक करें एंड कोई भी एक वीडियो देखें, या फिर आप चाहते हो मेरे चैनल पर जाकर कोई वीडियो देखना तो चैनल के लोग क्लिक करके वीडियो को देखिए। तो गाइस मैं मिलता हूँ उसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।